Hey guys, how are you all? Welcome back to the channel. I'm Shivna, a first year undergrad at IIT Roorkee, and this is my YouTube channel. I hope you all are doing really well, and I just note कि तुम्हारा अभी एडवांस का पेपर ख़त्म हुआ है. तो यार जब तुम लोग को ऐसा एडवांस का पेपर हो रहा था तो आई ऑल्सो हैड दिस नॉस्टैल्जिया कि जब मेरा पेपर था वॉट ऑल थिंग्स हैपन एंड उन सब का ऐसे फ्लैश बैक आ रहा था. वह कि एडवांस दे के आई वेंट इन टू द कॉलेज तो ऑल दीज ट्रांजिशंस हैपेंड सो मच फास्ट एंड अब उनका सोचते हैं तो लगता है कि यार अभी तो हुआ था अभी मतलब एक साल भी हो गया इतनी जल्दी. तो आई जस्ट थॉट कि वाई डोंट आई शेयर ऑल दिस विद यू एंड तुम्हें भी ऐसे रिलेट होगा कि फिर तुम एडवांस देख के फिर तुम्हारा आगे क्या क्या होगा एंड ऑल ऑफ दैट. सो फर्स्टली लेट स्टार्ट विद एडवांस का रिजल्ट से जो कि बहुत जल्द तुम्हारा आने वाला है. तो क्या हुआ था ना कि 4 जून को हमारा एडवांस का पेपर था. सो आफ्टर द पेपर भाई मैं मतलब ये ऐसा है कि मैं हर पेपर के बाद मेरा ऐसे होता है कि आई एम सो सैड. तो एज यूजुअल आई वाज सो सैड आफ्टर द पेपर कि मुझे बस रोना है जाके. आई नीड अ स्पेस जहाँ मैं रो लूँ ढंग से जाके. तो बट ऐसा था कि पेपर के बाद हम लोग को जाना था बिकॉज आई गेव माई पेपर इन इंदौर. सो वी हार्ड टू गो टू उज्जैन. सी लाइक जस्ट पेपर देके निकल गए उज्जैन के लिए एंड कार में बैठे बैठे ना ऐसे विंडो सीट को देख के और जस्ट लाइक कि भाई होगा कि नहीं होगा. पेपर वन तो अच्छा गया है, टू बिगड़ गया, क्या होगा समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल. हमारे टाइम पे ना पेपर वन ऐसे ईजी था थोड़ा एंड पेपर टू वॉज रियली टफ. सो या ऐसा था. तो वही हुआ रात भी एकदम से लग रहा था कि यार एवरीथिंग इज़ ओवर, अब कल से पढ़ना नहीं है भाई, फ्री हो गया. इट वॉज सो नाइस, दैट फीलिंग वॉज सो नाइस कि भाई हो गया पेपर एट जो भी हुआ हो तो गया, कम से कम ख़त्म हो गया. तो उसके बाद तो थोड़े दिन जब तक रिजल्ट नहीं आया ना इतनी अच्छी ज़िंदगी चली है सच में. एकदम ऐसे कि आए हाय कुछ है ही नहीं करने को, फ्री है, सो रहे हैं दिन भर, टाइम पास हो रहा है, मस्त मौज मार रहे हैं. बट पता है एक धक्का लगता है तो जब तुम्हारी आंसर कीज आती है उसके बाद तुम्हारे हाथों तुम्हारा स्कोर है, तुम उसको बैठ के ओवर थिंक कर जा रहे हो पर तुम्हारे पास तुम्हारा रिजल्ट नहीं है भाई, बहुत दिमाग ख़राब होता है. तो वो वाला फेज भी ख़त्म हुआ. फाइनल डे था रिजल्ट. अब रिजल्ट 10 बजे आना था, 10 बजे वो साइट ही नहीं खुल रही है मेरी. पता नहीं क्या हो रहा था, मैं गलत एनरोलमेंट कुछ तो मैं गलत डाल रही थी. फिर मेरा रिजल्ट मैंने नहीं देखा. मेरा एक फ्रेंड है शशांक, उसने मेरा रिजल्ट देखा एंड उसने मुझे बताया कि भाई हो गया, कॉन्ग्रेट्स भाई. मैं इतना ज़्यादा खुश थी कि अरे भाई डैम हो गया. बिकॉज था ना कि कट ऑफ कुछ तो थोड़ा सा ज़्यादा आया था एंड मतलब पता ना बोनस वगैरह तो मैं बाद में ही पता चलता है. तो वो बोनस होके कुछ तो मेरे ऐसे हो गए थे प्लस मार्क्स, आई थिंक +6 या +8 ऐसे कुछ तो हुआ था. तो देन आई वॉज लाइक रियली हैप्पी कि चलो भाई फाइनली हो गया. एंड उस दिन तो ऐसे कॉल पे कॉल इतने कॉल किए ना, मैं क्या ही बताऊँ. 3 जून इट वॉज रिजल्ट का दिन. या उसके बाद से ना तुम्हारा प्रोसीजर चालू होता है तो जोसा काउंसलिंग वाला प्रोसीजर. तो जोसा काउंसलिंग भी भाई वो भी एक अलग हेक्टिक चीज़ है. उसमें एक तो वो चॉइस फिलिंग भरने में बहुत दिक्कत आती है सच में. तो आई वुड प्रेफर कि तुम सब अच्छे से एकदम ऐसे लिस्ट बना लो तुम्हें कौन सी ब्रांचेस, कौन सा कॉलेज प्रेफर करना है. बिकॉज यार वो उसमें ना बहुत दिक्कत हो जाती है, अगर तुम्हें नहीं भरा ना कुछ तो फिर ऊपर नीचे करने में विल फेस प्रॉब्लम. नहीं भी भर दी थी फिर उसके बाद ना ऐसे वो स्टार्ट हुआ था. तो पहले दिन तो मॉक काउंसलिंग थी. तो मॉक काउंसलिंग ना मुझे IIT रुड़की बायो साइंसेस एंड बायो इंजीनियरिंग मिला था. आई वॉज सो हैप्पी कि चलो 4 ईयर कोर्स मिल गया. बट फिर क्या हुआ कि जब एक्चुअल काउंसलिंग हुई तो एक्चुअल काउंसलिंग में आई गॉट GPT. तो थोड़ा सा लगा कि यार 5 ईयर है. बट देन आई वॉज लाइक हैप्पी कि चलो IIT रुड़की तो है तो चलेगा, सब चलेगा. आई गॉट IIT रुड़की में जियो फिजिकल टेक्नोलॉजी, उसका एक्रोनिम GPT है. बाद हमारा ऐसे आई थिंक जुलाई में ये पूरा जोसा काउंसलिंग का प्रोसीजर एंड हो गया था. एंड उसके बाद फाइनली रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स भर के हमें जाना था IIT रुड़की. तो बस उस दिन मैंने जल्दी अपनी पूरी पैकिंग करी, मैंने वो पैकिंग वाला व्लॉग भी बनाया है, देख लेना. करने के बाद फिर हम लोग ऐसे ट्रेन में बैठ के भाई अलग ही खुशी हो रही है कि अरे कल तो कॉलेज. सो 1 अगस्त से खुलना था कॉलेज तो हम लोग चले गए. यार तुम्हें इतनी देर से ये चीज़ दिख रही है क्या, सॉरी. तो हमें ना जाना था कॉलेज तो हम चले गए फिर ट्रेन में बैठ के. उसके बाद दूसरे दिन पहुँचे तो वी स्टेड इन होटल एंड भाई शाम में हम घूमने गए. भाई शाम में जब पहली बार घूमने गए ना कॉलेज तो ऐसा था कि सेंचुरी गेट से अंदर गए थे हम लोग. भाई
मैंने ऐसे पता नहीं क्यों इमेजिन नहीं किया था कि सेंचुरी गेट के बाहर इतना सा लोकल क्राउड होगा, रश होगा। आई थॉट इसे बहुत दूर होगा कॉलेज सिटी से, बट इट्स लाइक एग्जैक्टली इन बिटवीन द सिटी, इट इज़ एग्जैक्टली इन बिटवीन। वो थोड़ा लगा कि यार ये सब क्या है बाहर, तो इतना ज़्यादा कंजेस्टेड क्यों है, थोड़ा सा इट वॉज़ नॉट अ गुड फीलिंग। बट देन हम ऐसे अंदर गए, अंदर जाने के बाद भाई इट वॉज सो ब्यूटिफुल। नॉर्मल चीज़ तो ठीक है, चलो मेन चीज़ थी मेन बिल्डिंग देखनी, भाई मेन बिल्डिंग ही तो मेन चीज़ है, तो मेन बिल्डिंग पे गए। मैंने पीछे से गई थी मेन बिल्डिंग पे, से गई ऐसे लेफ्ट साइड पे थी, मसले नाइस भाई, बहुत प्यारी दिख रही थी सच्ची में, मतलब एकदम ऐसे सब फोटोज़ एंड वीडियोज़ में देख रखा था, एंड असली में देखने में तो भाई बहुत प्यारी लग रही थी। तो बस देन हम उसमें गए, एंड देन सेकेंड डे से हमारा वो पूरा प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन एंड उन सब का। फाइनली आई वॉज एडमिटेड टू IIT रुड़की। सो यार देखो वही है कि जब तुम एक JEE एस्पिरेंट होते हो, तो JEE एस्पिरेंट से जो एक IIT वाला ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, दैट इज़ लाइक रियली ड्रास्टिक। जब तुम JEE के लिए प्रिपेयर करते हो तो क्या कोचिंग जाते हो सुबह सुबह 7 बजे उठना पड़ता है भाई, कोचिंग के लिए भागो टाइम पे 8 बजे से कोचिंग, 8 से 2 तक कोचिंग, फिर आके थको थोड़ा, फिर वापस से पढ़ाई स्टार्ट, फिर दिन भर पढ़ाई करनी है। बट यार देखो जब एक फर्स्ट ईयर में आते हो, इट्स लाइक तुम कैलकुलेशन पे चलते हो, अगर तुम्हारी 75% अटेंडेंस तुम अगर उसमें लैग कर रहे हो तभी तुम जाओगे क्लास, वरना तुम नहीं जाते हो क्लास। या दिन दिन भर सो रहे हैं भाई, तुम पता नहीं क्यों लेजी हो जाते हो एकदम से, बिकॉज तुम चीज़ें करते हो बट एट योर ओन पेस, सो यू लर्न हाउ टू लिव बाय योर सेल्फ। सेकेंड चीज़ आती है आई थिंक यार इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सीखने में, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। भाई तुम कितने भी टेक रिलेटेड लीडर्स को देख लो, जैसे एलन मस्क, सुंदर पिचाई, इन सब में ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि दे आर वेरी गुड एट टाइम मैनेजमेंट। दैट इज़ द रीज़न दे हैव अचीव्ड सो मच इन देयर लाइफ्स, एंड ऑल्सो दे हैव डन सो मच सक्सेस इन देयर लाइफ्स। अलॉन्ग विद दिस इनकी ना एक और चीज़ कॉमन है जो इन सब में कॉमन थी, दैट वॉज स्टार्टिंग कोडिंग जैसी स्किल्स एट अ वेरी यंग एज। कॉलेज में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अ स्किल, इट एनी स्किल दैट यू लाइक। अगर तुम्हें एक कोई टेक रोल के लिए अप्लाई करना है IT इंडस्ट्री में, सो लाइक कोडिंग इट्स अ वेरी यू नो बेसिक थिंग दैट यू शुड नो। यार देखो जब तुम्हारा कॉलेज अभी स्टार्ट नहीं हुआ है एंड जस्ट तुमने अपने JEE दिया था, तो उसके बीच में तुम्हारे पास 1-2 महीने का टाइम होता है, वाई टू वेस्ट इट। तुम अगर उसको यूटिलाइज करके उसमें कुछ अच्छी नई स्किल सीख लो तो दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। तो न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद एन IIT रुड़की अलमनस हैज बिल्ट कोडिंग प्लेटफॉर्म, अ कोडिंग कोर्स थिंग, उसका नाम है हेड स्टार्ट। सो उसमें ना सारे जैसे कि C++, पाइथन, वेब डेवलपमेंट, इस टाइप की सारे कोर्सेस हैं जो तुम सीख सकते हो, एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन। सीख के अपना जो ये बीच का टाइम होता है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, सो दैट विल बी आई थिंक रियली बेनिफिशियल फॉर यू। सो इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न कोडिंग एंड इट्स बेसिक्स, कॉलेज में जाके एकदम उधर भी मचाना है तो जल्दी से सीख लो, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मूविंग अहेड हम कंपेयर कर रहे थे जैसे JEE टाइम पे एंड इधर टाइम पे क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो वही है यार इसके बाद एक और चेंजेस आते हैं कि यार JEE टाइम पे यू डोंट हैव द टाइम टू मेक फ्रेंड्स या टॉक टू पीपल इतना ज़्यादा, इतना इंटरैक्ट खुलने का टाइम नहीं होता है। बट वेन यू कम टू कॉलेज, सो वही है कि यू मीट अलॉट ऑफ पीपल, यू नो डिफरेंट पीपल, यू गेट अलॉट ऑफ एक्सपोजर, यू गेट अलॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। IIT रुड़की में देर इज़ अ वेरी गुड कल्चर ऑफ क्लब्स, यू कैन गेट एडमिटेड इन टू क्लब, परस्यू जो भी तुम्हें मन है कि यू कैन परस्यू ड्रामा कंटेंट इंटरेस्ट है, सो यू कैन गो इन टू ड्रामेटिक सेक्शन, देन म्यूजिक सेक्शन होता है, सिनेमाटोग्राफी सेक्शन होता है, एंड देयर लाइक अ लॉट एंड लॉट्स ऑफ क्लब्स जिसमें तुम जा सकते हो। एंड कॉलेज में यार ये भी बहुत चीज़ होती है कि भाई तुम एक बहुत कंपैरिजन करते हो कि कोई बंदा तो ये कर रहा है, कोई बंदा ने तो ये कर लिया, भाई उसकी उधर इंटर्न लग गई, प्री इंटर्नशिप ऑफर आ गए लोगों के, एंड तुम बैठ के कुछ नहीं कर रहे हो, तो एक इन्फीरियर लगता है तुम्हें कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ बैठ के। तो आई थिंक दैट इज थिंग ऑल्सो दैट यू फेस इन कॉलेज, दैट इज़ द मेंटल प्रेशर, जस्ट कॉन्स्टेंटली इन अ रेस टू परफॉर्म बेटर देन अदर्स। तो यार वही है कि दोनों साइड की अपनी अपनी मतलब अच्छी एंड बुरी चीज़ें हैं, इट डेवलप्स यू एज अ पर्सन। सो आई थिंक या इट वॉज इट आई थिंक फॉर द वीडियो, बेसिकली लाइक दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट कि वॉट एक्चुअली विल हैपन आफ्टर यू क्लियर JEE एडवांस। देखो तुम्हारे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे एडवांस क्लियर करने के बाद, या देखो तुमने नहीं भी क्लियर किया, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सभी क्लियर कर लेंगे, बट आफ्टर यू हैव गिवन योर JEE एंड तुम किसी भी कॉलेज में जाओगे तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस दैट
you will face in yourself. So you just keep yourself ready for those changes. So learn to adapt to changes and make yourself a better version. I hope you like this a small video, and I hope this will help you, and like ek aisa relate karoge tum bhi is cheez se while you are going through this phase. So like the video and also share it with your friends who have given J and waiting for their J advanced results. I wish you all the best, all the very best. I hope you clear J advanced and mostly tum log se main milu apne college mein jaake. So all the best for that. I will see you in the next video. Up till then, bye bye.